कोरोना नहीं होने के लिए सेल्फ अफर्मेशंस काम में आ सकते हैं, और ये भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। क्या है कि सेल्फ अफर्मेशंस हम देते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि हमको हील करना, बॉडी को हील करना, बॉडी को तंदुरुस्त रखना, और वही बॉडी को डिस्ट्रॉय भी करता है। मतलब कुछ हो गया तो डीजेनरेट बॉडी हो रही है, या बॉडी में कुछ कमियां आ रही है, या बॉडी में कोई बीमारी हो रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड का काम यह है कि उसको रीजेनरेट करना, जनरेशन करते जाना, नया बनाना। तो यदि हम सबकॉन्शियस माइंड को सजेशंस देते, सेल्फ अफर्मेशंस देते, तो वो बहुत काम में आ सकते हैं। अब सेल्फ अफर्मेशंस देना तो कब देने का है? देखो, सबकॉन्शियस माइंड समझो ऐसा है, उसके ऊपर है कॉन्शियस माइंड। कोई भी हम बात करते हैं, कोई भी सूचनाएं देते हैं, कोई भी अफर्मेशन देते हैं, तो कॉन्शियस माइंड उसको सबकॉन्शियस माइंड में जाने से पहले रोकता है, उसको पहले फिल्टर करता है, उसको देखता है कि जाने देना कि नहीं देना अंदर, और वो बहुत सारी बातें अंदर जाने देता नहीं है। तो फिर कॉन्शियस माइंड का प्रभाव जब कम है तब होना चाहिए सूचना देना। अफर्मेशंस का काम तब होना चाहिए जब कॉन्शियस माइंड का प्रभाव कम है। तो कॉन्शियस माइंड का प्रभाव कम कब हो सकता है या कब कम रहता है? एक तो हम जब नींद में जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड जो है वो धीरे 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 सोते रहता है। हमारा समझो यदि ब्रेन का आलेख निकालते हैं, ईजी निकालते हैं, तो अल्फा वेव जो हमारी रहती है, पहले शुरू में रिलैक्स अवस्था में अल्फा वेव आती है, तो अल्फा वेव थीटा वेव में चले जाती है। मतलब ब्रेन में थीटा वेव आती है, समझ जाना कि अभी बहुत ही रिलैक्स हो चुके हैं और अभी सबकॉन्शियस माइंड रिसीविंग मोड में है। जब सुबह उठते हैं तभी भी वही होता है कि अल्फा वेव्स जो रहती है वो बहुत कम रहती है, थीटा वेव्स रहती है जब आप आधे नींद में आधे जागरूक हैं। और वैसे सम्मोहन अवस्था में जब आप हिप्नोटाइज करते हैं अपने आप को या कोई आपको हिप्नोटाइज करता है, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसीविंग मोड में रहता है, कॉन्शियस माइंड बाजू हो जाता है, वो रिसीविंग मोड पे आता है और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो अफर्मेशंस जाने देता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बाजू हो जाता है हिप्नोटिज्म में। इसका मतलब क्या है कि हमको एक तो हिप्नोटाइज स्टेट में देना चाहिए अफर्मेशंस, या सोने के समय देना चाहिए, या जागते हुए सुबह देना चाहिए। अभी कौन सी अफर्मेशन देना? अफर्मेशंस एक तो बार बार देने हैं। बार बार जब देंगे और वैसा विजुअलाइज करेंगे अफर्मेशंस के साथ साथ, तो उसका बहुत फायदा होगा। अफर्मेशंस ये देने के हैं कि मेरा नाक, मेरा गला, मेरे फेफड़े ये बहुत फिट है और बहुत अच्छे हैं, और पूरी की पूरी ये जो सांस की सिस्टम है ये पूरी तंदुरुस्त है। ये तीन बार दोहराने का है, मेरा नाक, मेरा गला, मेरे फेफड़े और सांस की पूरी श्वसन संस्था ये बहुत ही तंदुरुस्त है, बहुत ही फिट है। मेरा नाक, मेरा गला, मेरे फेफड़े बहुत तंदुरुस्त है, बहुत ही फिट है और एकदम अच्छे अवस्था में है। मेरी श्वसन संस्था जो एकदम फिट और तंदुरुस्त है। ऐसे तीन बार देना है और आंखें बंद करके आप बैठे हैं, रिलैक्स बैठे हैं, और तीन बार ये दोहरा रहे, बार बार दोहरा रहे ऐसे, और खुद को इमेजिन करके तंदुरुस्त है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदी हूँ, मैं एकदम रिलैक्स हूँ, मैं कोई भी काम जो है वो बहुत ख्याल से, कॉन्सेंट्रेशन से करते रहता हूँ और बहुत ही खुशी से, आनंद से कोई भी काम करते रहता हूँ। मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत रिलैक्स हूँ। मैं बहुत ही हेल्दी फूड खाता हूँ, बहुत ही तंदुरुस्त रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करता हूँ और मैं बहुत फिट हूँ। मैं हेल्दी फूड खाता हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ और बहुत मैं फिट हूँ। मैं खुद के ऊपर बहुत प्यार करता हूँ और खुद का स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और जैसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, मैं खुद का स्वीकार करता हूँ और खुद के ऊपर बहुत प्यार करता हूँ। हर सांस मेरी छूट रही है, बाहर निकल रही है, तो हर सांस के साथ में मेरे शरीर की गंदगियाँ बाहर निकल रही है, और उसके साथ साथ ही मेरा गुस्सा,
मेरा चिड़चिड़ापन, मेरे बदले की किसी की भावना, अपराध बोध की भावना, ये सब बाहर छोड़ रहा हूँ। हर श्वास के साथ में मैं मेरा गुस्सा, खुन्नस, बदले की भावना, चिड़चिड़ापन, अपराध बोध की भावना सभी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत आनंद मुझे में है और कोई भी समस्या का सामना बहुत ताकत से मैं कर सकता हूँ। अब इस तरह की सूचनाएं आप देते हो अपने आप को और इमेजिन करते हो कि आप फिट है, तंदुरुस्त है और उसके साथ साथ खान पान अच्छा है, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज ऐसे कि रोज़ 1 घंटा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट रह रहे हैं, ऐसी एक्सरसाइज 1 घंटे में कि आपको बहुत सांस लग रही है और आपकी पल्स, समझो कोई नापता है, आप ही नापो आपकी पल्स, तो वो कम से कम डबल होनी चाहिए कुछ समय के लिए। समझो आपकी 80 है तो 160 होनी चाहिए कुछ समय के लिए। इसका मतलब आप अच्छे एक्सरसाइज कर रहे हो। बाकी इसके साथ साथ यदि आप विटामिन सी, जिंक, विटामिन D3, B1, B6, B12, ये जो विटामिन है, या बी कॉम्प्लेक्स, ये लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मुझे पक्का विश्वास है कि मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग का पालन करना, बॉडीली फिट रहना और रोज़ सुबह और रात को अफर्मेशंस देना और हिप्नोटाइज स्टेट में अफर्मेशंस देना, कोरोना आपके पास में आएगा भी नहीं क्योंकि आप एकदम फिट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।